नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ आपको अपना यूट्यूब चैनल टॉपर जीके स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि डेली जीके डोज सीरीज का पार्ट है। ओके, और ये टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर। विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज क्लोजेस्ट टू द हेमिस मोनास्टरी। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा हेमिस मठ के सबसे करीब है? राइट आंसर है इसका ले। ले सबसे हेमिस मोनास्ट्री के सबसे करीब है। ओके, और ये हेमिस मोनास्ट्री हेमिस मठ लद्दाख के हेमिस में द्रुकपा वंश का एक हिमालय बौद्ध मठ है। ओके, और हेमिस मठ ले से 45 किलोमीटर दूर स्थित है। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। व्हिच कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर स्थित है? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु। तमिलनाडु कोस्ट यानी कि जिसको हम लोग कोरामंडल कोस्ट भी कहते हैं। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन था रमदा भाई कौन था? तो इसका राइट आंसर है गांधी जी डोमेस्टिक हेल्प, यानी कि गांधी जी के घरेलू मदद। ओके, यानी कि गांधी जी के घर में काम करती थी। ओके, और ये महात्मा गांधी जी को राम नाम, भजन ये सब सिखाती थी। ओके, और महात्मा गांधी जी रमदा भाई को अपनी माँ की तरह रेस्पेक्ट करते थे। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोर्टेबल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? राइट आंसर है इसका डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। पोर्टेबल डिवाइस यानी कि जिसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको हम लोग पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डैश एलिमेंट्स हैव द लार्जेस्ट एटम्स, यानी कि इन चारों में से किस तत्वों में से सबसे बड़ा परमाणु होता है? इसका राइट आंसर है लिथियम। लिथियम में सबसे लार्जेस्ट एटम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ लोअर एंड्स ऑफ द स्टेम ऑफ मैच एंड शुगर केन कॉल्ड। यानी कि मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरों से बाहर आने वाली सहायक जड़े को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है स्टिल्ट रूट कहा जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कैन नोमिनेट टू लोकसभा एंड राज्यसभा रेस्पेक्टिवली। भारत के राष्ट्रपति क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? राइट आंसर है इसका फ्रेंड्स 2 और 12, यानी कि लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदारो लोकेटेड। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदारो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? राइट आंसर है इसका सिंध। सिंध प्रोविंस में, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मोहनजोदारो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है,
विच एमंग द फॉलोइंग सॉयल्स रिक्वायर्स लीस्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, निम्नलिखित मिट्टी में से किन को उर्वरकों के कम से कम उपयोग की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स अलुवियल सॉयल, ओके, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अलुवियल सॉयल को सबसे कम फर्टिलाइजर्स उपयोग की आवश्यकता होती है, ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अलुवियल सॉयल यानी कि जलोढ़ मिट्टी।